की बात इस पूरे नई शिक्षा नीति में जो कहीं जिक्र नहीं है। अब एक दो बातें जिसे करना बहुत जरूरी है नई शिक्षा नीति में, तो अन्य पिछड़े वर्ग का जिक्र केवल इस तरह से किया गया है कि ये तबका वंचित है, इसके लिए हम कुछ विशेष प्रावधान करेंगे। अब एक दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं, जिन पर बात करना हमारे लिए बहुत अहम है कि किस तरह से उच्च शिक्षा में बजट की कटौती की जा रही है और सरकारी स्कूलों में अच्छी बातें अनेक हैं जो गिनाई जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के शिक्षा मंत्री रोज गिना रहे हैं कि हम आमूलचूल बदलाव वाली शिक्षा नीति लाए हैं, क्रांतिकारी बदलाव है, सब कुछ बदल के रख देंगे, हम ऐसे युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो सब कुछ इतना अच्छे से करेंगे कि जिसको लेकर के नए युवा तैयार होंगे। न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया जो स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात करते कि जिन स्कूलों में बच्चे कम होंगे सरकारी स्कूलों में उनको बंद करेंगे और मेटा स्कूल बनाएंगे या मर्ज कर देंगे दूसरे स्कूल में। तो ये दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे तो सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं, इन बच्चों तक स्कूल की पहुंच क्यों कैसे होगी, कोई उल्लेख नहीं है इस पूरी शिक्षा नीति में। गांव में स्कूल लाइब्रेरी बुक क्लब बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, रेशियो स्टूडेंट टीचर रेशियो को बैलेंस करेंगे जहां शिक्षकों की नियुक्ति के जरिए वो सारी चीजें करेंगे, और स्कूलों के साथ साथ कॉलेजेस को क्या करेंगे। 300 यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, टॉप 300 में वर्ल्ड रैंकिंग में, और जो है उनको क्या कर रहे हैं, 15 साल में 50% एनरोलमेंट रेशियो करेंगे, यानी हर साल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर 2035 तक उनको 50% करना है, जो इस समय 26.3% है, हर साल 20 लाख नए एनरोलमेंट होंगे। आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं, आप डिग्री कॉलेज जो 45,000 डिग्री कॉलेज थे उनको बंद करके 15,000 करेंगे, जिन डिग्री कॉलेज में 3,000 से कम बच्चे होंगे उनको या तो बंद कर दिया जाएगा या दूसरे के द्वारा कोऑप्ट कर लिया जाएगा, और 45,000 डिग्री कॉलेजेस को कम करके 15 साल में 15,000 डिग्री कॉलेज बनाएंगे। आप इस पे जिक्र क्यों नहीं करते पीएम साहब, शिक्षा मंत्री जी? जब आप कॉलेजों की संख्या कम करेंगे, जब आप स्कूलों की संख्या कम करेंगे, कम स्कूल हो और अच्छे स्कूल हो, कम डिग्री कॉलेज हो और अच्छे डिग्री कॉलेज हो, जब इस तर्क पर आप आएंगे तो फिर किनके बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे? दलितों पिछड़ों आदिवासियों के बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे, रीच आउट उनका दूर हो जाएगा जिससे वो अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। कहीं आप शॉर्टफॉल बैकलॉग में परमानेंट अपॉइंटमेंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, संविदा पर नियुक्ति करने जा रहे हैं, एडहॉक टीचर को परमानेंट नहीं कर रहे, आप इनको कैसे करेंगे? तीन तरह के ग्रेडिंग सिस्टम, ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, सी ग्रेड वाले कॉलेजेस को कहा धमकी दी जाएगी कि सी ग्रेड के डिग्री कॉलेज उन्हें बंद कर दिया जाएगा अगर आप अपनी क्वालिटी एनहेंस नहीं करेंगे। बी ग्रेड के डिग्री कॉलेज वो होंगे जो वर्ण व्यवस्था, जो विश्वविद्यालयों की वर्ण व्यवस्था होगी उनमें बी ग्रेड के होंगे, जिनको अनुदान तो दिया जाएगा लेकिन यह कहा जाएगा कि आप तत्काल ऐसा करिए कि आप ए ग्रेड में ट्रांसफर करिए, और ए ग्रेड के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे उनको ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, यानी इस ग्रेडेड ढंग से ऑटोनॉमस किया जाएगा, सी ग्रेड को बी ग्रेड, बी ग्रेड को ए ग्रेड, और ए ग्रेड वाले को कोई पैसा सरकार नहीं देगी, यानी ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट बच्चों से पैसा ले और क्वालिटी एजुकेशन दें। तो जैसे ही बच्चों से पैसा लिया जाएगा फीस कई गुना हो जाएगी, तो क्या दलित पिछड़े आदिवासी वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा क्या? जो ए ग्रेड के ग्रेडेड ऑटोनॉमी में जो ए ग्रेड के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे वहां कोई रिजर्वेशन नहीं, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। बी ग्रेड में कोई सेमी रिजर्वेशन, क्योंकि सेमी फंडिंग होगी गवर्नमेंट की, और वो भी फंडिंग हेफा के जरिए होगी, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, और विश्वविद्यालय सरकार से लोन लेंगे। आप ये हायर एजुकेशन दे रहे हैं? आप यहां जहां सी ग्रेड वाले होंगे, जहां पर क्या सी ग्रेड के इंस्टीट्यूट की डिग्री का वैल्यू ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट की डिग्री के वैल्यू के बराबर होगी?
इस तरह से आप वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, और ये सारा सिस्टम ये कह रहा है कि आप सामाजिक न्याय की हत्या करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, ये सीधे सीधे मेरा आरोप है। और इस तरह की चीजों को लेकर के हमें इस पर सवाल उठाने की जरूरत है, और ये जरूरत इस बात के लिए है कि हम कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। इंटरनेट की बहुत दिक्कत आ रही है, तो आखिरी बात ये कि अगर आप इस तरह से इस पूरे सिस्टम को बनाना चाहते हैं तो ये नई शिक्षा नीति दरअसल सामाजिक न्याय विरोधी है। वेग लैंग्वेज में ऐसी बात कहना चाह रहे हैं कि देखने में लगे कि हाथी के दांत बड़े सुनहरे हैं, लेकिन खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। तो प्राइमरी स्कूलों को बंद करना, डिग्री कॉलेजेस को बंद करना, सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करना और संविदा पर कोई आरक्षण नहीं लागू करना, यह दिखाता है कि नई शिक्षा नीति यह चाहती नहीं कि इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे अच्छी तालीम पाएं, अच्छी शिक्षा पाएं, परमानेंट अपॉइंटमेंट उनका हो, प्रोफेसर बने। फिर तो गुलामों को गुलामी को एहसास कौन कराएगा कि आप गुलाम हैं? फिर उन्हें कौन समझाएगा कि फूले अम्बेडकर पेरियार की विरासत किस तरह से आपसे छीनी जा रही है? इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, और नई शिक्षा नीति के आंकड़ों को पढ़िए, घर घर पहुंचाइए और देखिए कि आपके बच्चे के हाथ से शिक्षा छीन ली गई, आप अभी उन प्रावधानों तक नहीं जा पा रहे। ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद करेंगे, यूट्यूब चैनल खुलेगा, टीवी की तरह घर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। कितने दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा बच्चों के हाथ में मोबाइल है, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं है, उनके बच्चे क्या स्मार्टफोन से पढ़ाई कर पाएंगे? इंटरनेट है क्या गाँव में? मैं अभी जो क्लासेस ले रहा हूं उनमें 50% बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज के बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे, जो क्लास ले रहे उनके इंटरनेट ठीक नहीं है। और आप ये दावा कर रहे हैं कि गांवों में इंटरनेट रहेगा, गांवों के बच्चों को घर बैठ के डिग्रियां देंगे, तो हायर एजुकेशन पूरी तरह से एक मनुवाद की तरफ ले जाएगा जहां शिक्षा सबको नहीं मिलेगी और ऐसी शिक्षा से वंचित तबका अतीत से कट जाएगा और फिर उसको भटकाना आसान होगा। तो मेरी अपील है इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों से, एक बार ठहरिए, एक बार विचार करिए, आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ेंगे? नई शिक्षा नीति को पढ़िए, वो स्कूलों को बंद करने की बात भी कर रहे हैं, वो डिग्री कॉलेजेस को बंद करने की बात भी कर रहे हैं, वो डिग्री कॉलेज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए सी ग्रेड से बी ग्रेड, बी ग्रेड से ए ग्रेड, और ए ग्रेड में कोई रिजर्वेशन नहीं जो ऑटोनॉमस होंगे। पूरे नई शिक्षा नीति में आरक्षण शब्द क्यों नहीं लिखा? वोट मांगने के वक्त जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ओबीसी है, वो ओबीसी शब्द का इस्तेमाल पूरी नई शिक्षा नीति में दो जगह करता है और कहीं ये बात नहीं कर रहा है कि आधी आबादी जिस देश की जनता की है उसकी आधी आबादी के प्रोफेसर कितने हैं? 9। क्या यही शिक्षा नीति बनेगी? यही नया भारत बनेगा? आप विचार कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा की बात सोचिए, नौकरियां आपके हाथ से छीन ली जा रही, और अगर आप ये सवाल नहीं सोच सकते, आप शिक्षा का सवाल आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए रोजगार का सवाल जरूरी नहीं है, तो आप दलित पिछड़े आदिवासी हिंदू बनकर के इस पूरे नैरेटिव में फंस जाएंगे जिससे आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा और रोजगार चला जाएगा। ठहरिए, विचार करिए और देखिए कि नई शिक्षा नीति कितनी खतरनाक है, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए, अगर मैं गलत हूं। आप घर बैठ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठ करके गालियां देने लगते हैं कि डीयू जेएनयू जामिया वाले डीयू वाले राजनीति करते हैं, मैं राजनीति कर रहा हूं क्या? जो सवाल मैं उठा रहा हूं ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल नहीं है क्या? ये आरक्षण का सवाल आपके बच्चे के सवाल भविष्य का सवाल नहीं है? ये विचार करिए, और विचार करिए कि अगर नई शिक्षा नीति इतनी खतरनाक है तो आप उसको, आपके बच्चे का भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।